इस कैप में रैबिट का ईयर्स दिया हुआ है, पूरे इतने सारे पीस है, ब्रेड एंड एवोकाडो में प्यार हो रहा है इन शॉर्ट यहाँ पे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड येट अनदर हॉल वीडियो। सो हियर वी आर गोइंग टू डू विंटर वेयर हॉल, जो कि होने वाला बहुत ही अमेजिंग बिकॉज दीज आर रियली क्यूट विंटर वेयर। यू विल डेफिनेटली गोइंग टू लव दिस कलेक्शन। एंड ये सारे मैंने अमेजोन से ऑर्डर करे हुए हैं, बहुत ही अच्छे ऑप्शन अवेलेबल है फिलहाल विंटर वेयर के लिए, तो आप जाके ना चेकआउट कर लेना। लिंक्स मैं सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। यहाँ पर मैंने सारे कलर्स कवर करने की ट्राई की है, सो दैट अगर किसी को कोई कलर पसंद नहीं आया तो आप जाके दूसरा कलर चेकआउट कर सकते हो। सो आई फील आपने थंबनेल देख के आइडिया लगा ही लिया होगा ऑलरेडी कि मैं क्या क्या शेयर करने वाली हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, बट बिफोर मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर दिया है, बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दिया है ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो आई थिंक लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे मेरे पास पूरे इतने सारे पीस है, अराउंड 5 or 6 पीसेस है, बहुत ही मोटे मोटे हैं, बहुत ही ज़्यादा वॉर्म रखने वाले पीसेस है। यहाँ पे कुछ हुडी है, स्वेटर्स है, स्वेटशर्ट्स है, तो आई थिंक कैप वाले भी मैंने एक दो मंगाए हुए हैं, तो आई थिंक ये ना आपको बहुत ही काम आने वाला है। तो यहाँ पे फर्स्ट सबसे फेवरेट जो मेरा था ना, मैं उसकी बात करती है उसकी बात करती हूँ। सो हियर आई हैव दिस बियर फर वाला बहुत ही प्यारा सा मजेंटा पिंक कलर, और पिंक कलर मतलब कलर्स में इतने सारे कलर्स हैं ना कि मेरे को तो याद नहीं रहते। कुछ फुशिया कलर, फुशिया पिंक ले लो या फिर मजेंटा पिंक ले लो, रानी पिंक है ना, ब्ला 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 ब्ला। एनीवे, सो दिस इज़ इन अ वेरी हॉट पिंक कलर, आई रियली लाइक द कलर। एंड ये वाला कलर फिलहाल काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है, लाइक इफ़ यू सी ना, वो जो पॉप आउट होने वाले कलर्स हैं ना वापस सीजन में आ चुके हैं। वैसे तो इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल है, बट आई लाइक पिंक वन, एंड इसके अलावा मैंने और कोई पिंक नहीं मंगाया बाय द वे यहाँ पे। सो आई थॉट कि लेट्स ऑर्डर इन पिंक कलर, एंड बाय गॉड ये पहनने के बाद कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एंड दिस इज सो सो सॉफ्ट, मतलब बियर फर को बहुत ही अच्छे से वो सॉफ्टनेस जो होनी चाहिए ना वो दी गई है यहाँ पे। एंड इसका हाथ का लेंथ ना थोड़ा सा लाइक यहाँ तक का है, तो थोड़ा सा स्टाइलिश वे में ये बनाया गया है, तो ये आपको वार्म भी रखेगा एंड आपको साथ में थोड़ा सा फैशनेबल वाला लुक भी प्रोवाइड कर देगा। सो ओवरऑल ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने इसे अराउंड 600 or 700 rupees में परचेस किया, शायद इसे कम में भी परचेस किया होगा। मैं इसका जो स्क्रीनशॉट है ऑलरेडी लगा दूंगी, पहनने के बाद कैसा लगता है वो भी वीडियो लगा दूंगी। सो यहाँ पे आगे ना जिप दिया हुआ है, सो खाली नेक पे जिप दिया हुआ है, पहनने के लिए ओवरऑल जिप नहीं है, जैकेट वाला नहीं है ये, जस्ट पैटर्न के लिए यहाँ पे जिप दिया है। तो इफ यू वांट यू कैन कीप इट ओपन और यू कैन वेयर इट एज यू नो क्लोज जिप ऑल्सो। आप इफ यू वांट आप ओपन करके भी पहन सकते हो या फिर क्लोज करके भी पहन सकते हो। सो ये पूरा हाईनेक वाला पैटर्न है, ओवरऑल ये मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड एज यू कैन सी इसे पहनने के बाद मेरे फेस पे कितना अच्छा ग्लो आ रहा है। बाय द वे ये भी मैंने ऑनलाइन ही परचेस किया है, इसका भी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से चेक कर लेना। इस टाइप के टॉप ना काफी सही लगते हैं, स्कर्ट जीन किसी भी पैटर्न के साथ चला जाता है। अगर आप कोट वगैरह भी पहन रहे हो इसके ऊपर तो ये बहुत ही अच्छे से हर एक चीज के साथ चला जाता है। सो मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप देख लेना, बहुत ही अच्छा है। बाय द वे कलर भी बहुत अच्छा, मस्टर्ड येलो काइंड ऑफ अ कलर है, एंड इसमें थोड़ा शाइन भी है। एनीवेज लेट्स टॉक अबाउट दिस बियर फर वाला स्वेटर। सो ये मुझे बहुत सही लगा, ये ना लाइक वेस्ट तलक का है, लॉन्ग नहीं है ज़्यादा, बट ये पहनने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। हाई वेस्टेड जीन्स के साथ तो इट विल गो लाइक अमेजिंग। जीन्स हो चाहे वो स्ट्रेट पैंट हो, जैसे भी पैंट्स हो, आप इसे किसी भी पैंट के साथ मतलब पेयर करके पहन सकते हो। बहुत ही अच्छा लग रहा था पहनने के बाद, मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आया, फुल एकदम हिप हॉप वाली वाइब दे रहा था। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्वेटर। सो हियर आई हैव वन स्वेटर इन पर्पल कलर। सो मैंने इसे थोड़ा सा ट्राई किया था, इसलिए ये मतलब मैंने यहाँ पे ना दो तीन ही जब मुझे आए थे ना ये, तो मैंने दो तीन ही ट्राई करे थे, बाकी सब मैंने बोला कि बाद में व्हेन आई विल मेक वीडियो तभी मैं ट्राई कर लूँगी। सो यहाँ पे ये बहुत ही प्यारा सा पर्पल कलर का स्वेटर है, इसकी बुनाई मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब थोड़ा सा ना विजिबल काइंड ऑफ का बुनाई है, बट उतना ज़्यादा विजिबल नहीं है। बट इस टाइप के स्वेटर्स में ना मेक श्योर आप कुछ इनर्स पहनो, बिकॉज ये थोड़े से कैसे अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, कभी कभी चुभने लगते हैं बॉडी पे,
एंड इसका जो पैटर्न जो होता है ना वो थोड़ा रैशेस काइंड ऑफ का बना देता है. तो स्वेटर्स के अंदर हमेशा एक कुछ पतला सा स्पेगेटी टाइप का इनर्स वगैरह पहनो. अदरवाइज ये बहुत अच्छा है, इसका क्वालिटी वगैरह बहुत सही लगा. मैंने इसे अराउंड 600 or 700 में परचेस किया था, बट ट्रस्ट मी इस रेट में ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा बिकॉज इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है. ये प्रॉपर जो ऊन का मटेरियल होता है ना उससे ही बनाया गया, लाइक बुनाई की हुई है प्रॉपर, लिटरली बुनाई करके बनाई गई है. तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया. इसका लेंथ वगैरह डिसेंट है, मतलब कोई भी पहन सकता है, टीनेज से लेके ओल्ड एज तक कोई भी इसे आराम से पहन सकता है. बहुत ही अच्छा है ये. मुझे थोड़ा सा बैगी जैसा हुआ है बट मुझे अच्छा लगा बिकॉज बैगी क्लोथ्स पहनने में ज़्यादा अच्छा लगता है, स्किनी में थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो जाता है इस टाइप के कपड़े. तो बैगी ट्राई करो खरीदने का, और बैगी तो अभी फिलहाल सीजन में भी है. सो मुझे ओवरऑल ये बहुत ज़्यादा पसंद आया. पीछे आगे सेम ही पैटर्न दिया हुआ है. इसके शोल्डर्स ना थोड़े से ड्रॉप वाले दिए हुए हैं, लाइक एजेस वाले शोल्डर नहीं है, जो प्रॉपर शोल्डर होता है ना वैसा नहीं है, थोड़े से ड्रॉप काइंड ऑफ के दिए हैं. तो वो भी एक बहुत ही अच्छा फैशनेबल लुक दे रहा है. सो ओवरऑल ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया. लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्वेटशर्ट है यहाँ पे. सो मैनी पीपल लाइक जो कैप वाले स्वेटशर्ट्स होते हैं ना उनको बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं. तो मैंने उस काइंड ऑफ के यहाँ पे 3 मंगा लिए हैं. मुझे इतने ज़्यादा पसंद आया ना डिज़ाइन एंड क्वालिटी वगैरह, मतलब डिज़ाइंस भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्यूट वाले अवेलेबल है. एंड आई फील आजकल ना ये वाले जो टॉप्स है ना कोरियन कल्चर से काफ़ी, मतलब कल्चर नहीं बोलूँगी, कोरियन फैशन से काफ़ी इंस्पायर्ड होके बनाए जा रहे हैं. एंड उनकी डिमांड भी उतनी ही है बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं, लोग डिमांड भी कर रहे हैं उस चीज़ को, कोरियन फैशन का काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी चल रहा है. सो आई थिंक ये उन्हीं चीज़ों को देख के ध्यान में रख के बनाया गया है. सो हियर अगेन आई हैव दिस मस्टर्ड येलो कलर का स्वेटशर्ट. ओके, इसमें एक चीज़ जो है वो आपको डेफिनेटली पसंद आएगी, एंड डोंट वरी इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शंस अवेलेबल है तो आप चेक कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग. सो पहले तो इसका हम ओवरऑल व्यू देख लेते हैं. तो ये कुछ इस तरीके का है. सामने आपको यहाँ पे पॉकेट्स मिल जाएगा. ये बहुत ही ज़्यादा वार्म रखने वाला है बिकॉज ये क्वालिटी ना काफ़ी अच्छी है. एंड इसमें ना अंदर से ये वाला लाइक सॉफ्ट वाला कपड़ा लगाया हुआ है. एंड इसके नीचे वाला, मतलब कैप वाले पार्ट की बात करी थी, अंदर से ना ऐसा फर काइंड ऑफ का कपड़ा है. तो ये आपको बहुत ही अच्छा वार्म रखने वाला है. एंड यहाँ पे ये कुछ इस तरीके का है. इसका लेंथ वगैरह काफ़ी डिसेंट है, हाथ का भी लेंथ सही लगा मुझे. ओवरऑल ये बहुत सही लगा. यहाँ पे आगे रैबिट का पैटर्न बनाया हुआ है, समथिंग प्रिंट किया हुआ है, रैबिट को ही प्रिंट किया हुआ है. इस टाइप के प्रिंट में ना अलग अलग प्रिंट्स आपको मिल जाएंगे अगर आप अलग डिज़ाइन या अलग कलर का चूज़ करते हो तो. अब यहाँ पे इसका बेस्ट पार्ट आई विल टेल यू, इसका कैप. ओके, इसमें कैप है बट इस कैप में रैबिट का ईयर्स दिया हुआ है. लुक एट दिस यार, इट इज़ सो क्यूट. मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया. ये बहुत ही क्यूट वाइब देने वाला है. आप इसे कैसे भी पहन सकते हो एंड कोई भी एज का इसे पहन सकता है. अगेन सो एज यू कैन सी बहुत ही अच्छा है. एंड आगे पीछे जैसा चाहे वैसे लगा के आप पहन सकते हो. एंड इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है. एंड मैंने इसे अराउंड कुछ 500 or 600 में परचेस किया था. एंड आई फील इस रेट में ये हुडी मिलना आपको नॉर्मल शॉप्स में इम्पॉसिबल है बिकॉज नहीं मिलेगा यार. ये बहुत ही सही लगा, इसका पैटर्न से लेके एवरीथिंग. एंड ये चीज़ किसी नहीं पसंद आएगी. आई थिंक ये फंकी चीज़ में गिना जाता है एंड ये बहुत ही सही लगेगा. इसमें आपको और पैटर्न मिल जाएंगे एंड कलर भी मिल जाएगा तो आप चेकआउट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग. सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट हुडी. स्वेटशर्ट ही एक्चुअली, मैंने यहाँ पे हुडी नहीं मंगाया है. आई थॉट मैंने हुडी मंगाया बट इट्स नॉट हुडी, इट्स स्वेटशर्ट अगेन. सो यहाँ पे मैंने एक बेसिक वाइट कलर का मंगाया. इस टाइप के प्रिंट आपने देखे होंगे, काफ़ी ज़्यादा फेमस है एंड हमेशा ही ट्रेंड में रहते हैं. ऐसा कभी ऐसा नहीं हुआ है कि ये वाले जो पैटर्न है वाइट में इस तरह के प्रिंट वाले, लॉस एंजलिस लिखा हुआ है LA, जो यू नो आउट ऑफ फैशन जाते हैं. तो मैंने सोचा चलो एक मंगा लेते हैं, हमेशा के लिए काम आ जाएगा. एंड दिस हुडीज आर ना लाइक एनीवन कैन वेयर, मेन और वुमेन. अगर आपका बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड है, कोई भी पहन सकता है. जैसे आपको साइज चेक करना है उसके अकॉर्डिंग मंगाना है. सो
ये कुछ इस तरीके का है। ओवरऑल मुझे बहुत सही लगा। अगेन इसमें आगे इस तरह की पॉकेट मिल जाएगी जिसमें आप दोनों हाथ डाल के अपने हाथों को वार्म कर सकते हो आराम से। एंड इसके अंदर का जो मटेरियल है सेम येलो जैसा ही है। आई थिंक यहाँ पे मेरे पास एक और स्वेट शर्ट है जो कि ग्रीन कलर का, वो भी बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। एंड सबके मटेरियल ना सेम ही है, किसी का भी मटेरियल अलग नहीं है, तो सेम ही काइंड ऑफ के मटेरियल है। सो यहाँ पे अंदर इस तरह का फर मिल जाएगा यहाँ पे। एंड या ओवरऑल ये बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड इसमें कैप भी मिल जाएगा आपको। एज आई टोल्ड यहाँ पे कैप वाले मैंने 3 मंगाए हुए हैं। सो ओवरऑल ये बहुत अच्छा है। एंड येस आई फॉरगॉट टू मैंशन, मैंने सारे जो यहाँ पे स्वेटर्स एंड स्वेटशर्ट्स मंगाए हैं सारे एम साइज में मंगाए हैं, बिकॉज टॉप ना एम साइज में थोड़े लूज में अच्छे हो जाते हैं मुझे, इसलिए स्मॉल एकदम प्रॉपर फिट वाला आ जाता है, तो स्वेटर्स है यार थोड़े से लूज ही अच्छे लगते हैं। सो या ये था सेकेंड स्वेट शर्ट। अब यहाँ पे मेरे पास थर्ड स्वेट शर्ट है जो कि मैंने एक्चुअली पहन के देखा था एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया बिकॉज ऑफ द कलर एंड द पैटर्न। सो टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू लव एवोकाडो वाला कार्टून, जो कार्टून टाइप का एवोकाडो होता है वो। सो यहाँ पे एवोकाडो का ही कलर में एवोकाडो पैटर्न के साथ बनाया गया। लुक एट द प्रिंट मैन, ये कितना सुंदर लग रहा है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ब्रेड एंड एवोकाडो में प्यार हो रहा है इन शॉर्ट यहाँ पे। मतलब इस टाइप के ना आपको बहुत सारे फंकी प्रिंट वाले पैटर्न मिल जाएंगे सेम, मतलब मैं जो लिंक दूंगी ना उस पर क्लिक करना, आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे विद द कलर। सेम गोज टू व्हाइट वन अल्सो एंड येलो वन अल्सो। अगर आपको कलर चेंज करना है तो या फिर पैटर्न चेंज करना है तो आप चेक कर सकते हो। सो इसका मटेरियल भी सेम है, इसमें भी कैप दिया हुआ है। एंड ओवरऑल लेंथ वगैरह, मतलब सर ये जो तीनों है ना, इसका तीनों भी सेम ही है। तो यहाँ पे लास्ट पीस मेरे पास है ये वेस्ट टाइप वाला जो स्वेटर चलता है ना वो। एंड इसमें एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि वेस्ट वाले जो होते हैं ना स्वेटर्स, वो बहुत ही ज़्यादा डीप नेक होते हैं, शॉर्ट होते हैं एंड यहाँ से भी बहुत ज़्यादा ओपन टाइप के होते हैं, तो उसमें आपको ना कुछ यू नो फुल हैंड का या समथिंग यू हैव टू वेयर इनसाइड, देन ओनली यू कैन वेयर दैट। बट इसमें मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि इसका नेक छोटा है, हाथ प्रॉपर दिया हुआ है, लेंथ वगैरह भी डिसेंट है। लेंथ का उतना इशू नहीं होता, जस्ट नेक एंड हैंड का इशू होता है, जिसकी वजह से वेस्ट के अंदर ना सब लोग ऐसे फुल हैंड वाले शर्ट या फिर टॉप समथिंग पहनते हैं हाई नेक वाले, तो इसके ऊपर भी वैसे ये पहना जा सकता है, बहुत अच्छा लगेगा लेयर करके, मतलब लेयर करके इसको पहनते हैं। सो इफ़ यू डोंट वॉन्ट जस्ट वेयर स्पेगेटी काइंड ऑफ का समथिंग इनसाइड एंड यू कैन वेयर ऐसे भी इसको, बिकॉज ये ना काफ़ी डिसेंट में बनाया गया है विदाउट शोइंग योर क्लीवेज एंड ऑल, कुछ भी नहीं दिखेगा इसे पहनने के बाद। बट इफ अगर आपको चाहिए कि आपको थोड़ा सा फैशनेबल टाइप में वेयर करना है इसे, तो आप अंदर शर्ट पहन लो वाइट कलर का, ये जो भी इसके साथ जाएगा वो पहन लो एंड इसके ऊपर से ये पहन लो, तो ये वैसे भी अच्छा लगेगा। या फिर आप चाहो तो इसे, अगर आप ज़्यादा ठंड वाली जगह पर नहीं रहते हो, जस्ट फॉर फैशन यू आर वेयरिंग, यू कैन वेयर इट एज इट इज़ ऑल्सो, बस अंदर से कुछ ऐसा स्पेगेटी वगैरह स्लीवलेस वगैरह कुछ पहन लेना, दैट्स ऑल, बिकॉज ये स्वेटर है एंड ये ऊनी मटेरियल का है तो उतना ज़्यादा आपको कंफर्टेबल नहीं लगेगा। एनीवेज ये कुछ इस तरीके का है एंड इसकी क्वालिटी वगैरह काफ़ी सही लगी, पैटर्न भी बहुत सही लगा। एंड यू वॉन्ट बिलीव मी, अगर आप वेस्ट स्वेटर्स जाके देखोगे ऑनलाइन, OMG 1000 के नीचे कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, 1000, 1500, 2000, 4000 ऐसे ही रेट्स आपको वेस्ट टॉप के देखने के लिए मिलेंगे अगर आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो। बट आई गॉट दिस फॉर अराउंड 600 or 700 rupees, जो कि बहुत सही लगा एंड इसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, पहनने के बाद भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा। सबकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया इसका कलर एंड पैटर्न एवरीथिंग, बाकी सब तो है ही अच्छे। सो आपको कौन सा अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कमेंट करके। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू परचेज दिस स्वेटर्स, तो आपको लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से चेक कर सकते हो, कलर ऑप्शंस भी अवेलेबल है सब में, तो आई थिंक you can choose as per you want. And yeah, we'll meet you next video, but before make sure to subscribe and hit that bell icon as well, so that whenever I will upload new video you will get the notification. So milte hain next video mein, tab tak liye take care, bye bye.